अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। तो अभी मैं बना रही थी अचारी भिंडिया, मैंने कहा चलिए आपसे भी शेयर करते हैं। ये देखिए मैंने मसाला लगाकर इसमें छोड़ दिया, ये देखिए। और आप होममेड मसालों से भी बना सकते हैं और नेशनल या शान का मसाला लेकर भी बना सकते हैं। होममेड मसालों में बनाएंगे तो मैं लिख दूंगी, उसमें डालेंगे धनिया, जीरा, राई दाना और कलौंजी, मेथी दाना, चाट मसाला, इन सबको मिक्स करके हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और लेमन डालेंगे, मिक्सचर बन जाएगा। और बस इसे इसमें भिंडियों में भर देंगे, भिंडी और हरी मिर्चों में। ये अचारी भिंडी होती है, मसाला भर के हम डालते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने कहा चलिए आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप होममेड भी मसाला बना सकते हैं और अचार गोश का मसाला भी ले सकते हैं। अचारी जो अचार गोश का मसाला अवेलेबल होता है, दो पैकेट होते हैं इसमें बाज़ार में, आप ये भी डाल सकते हैं और होममेड भी डाल सकते हैं। चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। और बस मैंने कहा इसमें मसाला भर लूँ, फिर आपसे जब बात करूँगी तो आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बनेगी और बहुत मज़े की बनती है। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ले लिया, ऑयल डालूँगी और बस ये थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, उसमें ये डाल दूँगी और बस हल्के हाथों से ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारी जो भिंडियाँ हैं टूटे नहीं। तो बस ये तकरीबन ऑयल हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर दूंगी। तो बस ये झटपट से रेडी हो जाती है। अब थोड़ा सा इसमें ऊपर स्प्रिंकल करूंगी चाट मसाला और एक लीमू, बस ये हमारी रेडी है। अब इसे डालने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे बंद कर देंगे, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चेक करते हैं। इसमें लाल लगे बस इसे ऊपर नीचे करना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो गई, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है दम देने से। तो ये हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और मैंने तकरीबन 1/2 kg भिंडी ली है, साइडों से काट के सेंटर से इसमें कट लगा लिया और मसाला भर दिया। मसाले में लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और तकरीबन 1/2 kg लेमन लेंगे, लेमन डालूंगी इसमें, थोड़ी खट्टी सी स्पाइसी सी बनेगी, खट्टी और स्पाइसी सी बनेगी। बस इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे करेंगे, ज़्यादा तेज हाथ नहीं चलाएंगे क्योंकि सूख जाती है, मसाला बिखर जाता है। अब इसमें चाट मसाला शामिल करूंगी, थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें मसाले हैं। तो बस अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा लेना चाहें तो ले लीजिए, बट कम क्वान्टिटी में डालेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और ये अगर दही रखा हुआ है, दही की चटनी है मेरे पास, इसमें शामिल कर दूँगी। आज बिल्कुल हल्की कर देंगे, ऑयल मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करेंगे। और दही डालने के बाद इसे मैं फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँ। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसे खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बस इसे
डिश आउट करते हैं, रेडी हो चुके हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, देखिए कितनी जल्दी झटपट से रेडी हो गई है। तो दही भी ज़रूर डालिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ। अचारी भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं। अगर आप पहली दफ़ा आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं अचारी भिंडियों के साथ, मसाला भरी अचार की। अब मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखिए जी इसका क्लोज़अप, और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी देकर। अल्लाह हाफिज़।